नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त हूँ किसान। अरे खटराइंदर और ये वैरायटी है SD 2967। SD 2967 वैरायटी हमारी अपनी घर की है। घर का बीज लें आप तो करीब 55 किलो प्रति एकड़ डालें, और यदि नई वैरायटी आप ला रहे हैं NSC वगैरह किसी से तो 50 किलो प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है। इस SD 2967 को आप समय पर बिजाई करें, यानी नवंबर का पहला, दूसरा और तीसरा सप्ताह, वैसे 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। ये IRI की संस्था IIWVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड वाइल्ड रिसर्च के द्वारा 2011 में विकसित की गई थी। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली वैरायटी है। इसकी पकने की अवधि की मैं आपको थोड़ा बताऊं तो इसे 150 से 155 दिन पकने में लेती है। ऊंचाई 1 मीटर यानी 101 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के लगभग ऊंची होती है, इसलिए लॉजिंग गिरने की समस्या इसमें कम रहती है कंपेटिवली। पैदावार की बात करें तो 20 से 22 23 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार इसकी हो जाती है। अच्छी तरह से करें तो 25-26 कुंटल तक हो सकती है, लेकिन वो थोड़े बहुत खेतों में, यदि आपका बड़ा खेत जैसे हमारे 3 एकड़ का खेत, मेरे पैनोराम दिखा रहा हूँ, बड़ा खेत होता है तो उसका एवरेज 20-22-21 कुंटल पड़ता है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका आप किसी कंपनी का बीज लेंगे तो तकरीबन 1400 से लेके 1600 रुपये प्रति बैग मिल जाएगा। पंक्तियों की बात करें तो पंक्तियों की दूरी 15 से 22 सेंटीमीटर और यदि देरी से बोते हैं, पछहती बाई करते हैं तो 15 से 18 सेंटीमीटर रहते हैं। गहराई 4-5 सेंटीमीटर। DAP की मात्रा यानी खाद की मात्रा आप बात करें तो हमको नाइट्रोजन 60 किलो प्रति एकड़, 24 किलो प्रति एकड़ फॉस्फोरस, जिसे हम DAP के फॉर्म में दे रहे हैं, आप चाहें तो SSP दे सकते हैं, NP के 12-32-16 भी दे सकते हैं, और पोटास 12 से 15 किलो प्रति एकड़ हमको डालना चाहिए। हमने इसके बेसल डोज में आधा बैग यानी करीब 22-25 किलो प्रति एकड़ यूरिया डाला है और 20 किलो प्रति एकड़ MOP म्यूरेट ऑफ पोटास डाला है, यानी पोटास की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की कंपोजिशन के लिए। ये बाजरा का खेत है, आप इसमें देख रहे हैं, ये यदि आप वेसल डोज में यूरिया देंगे तो उसको इसको कार्बन में कन्वर्ट करने में, इसको कह सकते हैं डिकम्पोज होने में आसान रहेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो DAP का जो नाइट्रोजन है वो इसको डिकम्पोज करने में चला जाता है और पौधों को बढ़वा के लिए नाइट्रोजन कम मिलता है, इसलिए हमको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का पर्याप्त रखना चाहिए। तो हमको 2.5 बैग अलग से यूरिया DAP के बाद देना चाहिए। आप SSP दे रहे हैं तो 150 किलो प्रति एकड़ SSP दें, और 12-32-16 दे रहे हैं तो 75 किलो प्रति एकड़ 12-32-16 डालें। उसमें पोटास देने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास होता है। ये जानकारी कैसी लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी जानकारी हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त NK शर्मा, मेरी खेती मेरी फसल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरे किसान भाई को शेयर भी करें। धन्यवाद।